मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके बालक का एनडीए में जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए माँ ट्यूटोरियल परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। साथ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऋतिक का जो सफ़र है बचपन से लेकर एनडीए में जाने तक का, ये कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि माँ से जो गाइडेंस ऋतिक को मिली वो बहुत ही मूल्यवान है। 12th में आने पर 11th से ही मैं बोलूँगा 11th में ही इन्होंने माँ ट्यूटोरियल ज्वाइन किया, क्योंकि उसके अंदर इसके इनके अंदर जुनून दिखाई पड़ा। तो मैं चाहता था कि ये एक बार इसका एनडीए का एग्ज़ाम तो दे, लेकिन एनडीए वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने जो क्वालिफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि इनके 12th के एग्जामिनेशन भी थे, बोर्ड के एग्जामिनेशन, तो वो इनका जो एग्जामिनेशन था यहाँ इलाहाबाद में था, 10-12 दिन में इनके साथ मेरा वो थोड़ी हमारी कमी रही है। लेकिन ऋतिक के अंदर बहुत जुनून है और वो मेरे को समय समय पर दिखता भी है, और मैं ऋतिक को बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, इसने मेहनत करी बच्चे ने और सफलता हासिल। मैं ऋतिक की मम्मी से भी जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रही हैं अपने बच्चे को, मतलब देश सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए भेजने का अवसर जो आपको मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसमें? सर, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन हाँ, ये मुकाम बहुत कम लोगों को हासिल होता है कि वो देश की सेवा करे, तो वो हमारे बेटे को प्राप्त हुआ, इससे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। सर, अंततः मैं आपसे बस ये एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, ऋतिक की सफलता में आप किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? इसमें पूरा का पूरा जो श्रेय है, ये अच्छी गाइडेंस जो माँ ट्यूटोरियल से मिली, दूसरा ऋतिक की मेहनत और उसका जुनून बहुत मान्य रखता था। जो गाइडेंस माँ ट्यूटोरियल के जो हमारे पंकज भट्ट साहब हैं, उन्होंने समय पर जो गाइडेंस दी, जो कोऑपरेशन दिया, वो अनुकरणीय है, वो अनुकरणीय।